भाई आज हमारी सीक्रेट हार्ट में सीटेट एग्जाम है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और काफ़ी लोग हमारी दुकान से पेन भी ले गए हैं आज पेपर के लिए। देखो भाई यहाँ पे से मैंने लिए हैं केले। अब हम पहुँच गए हैं रामूर्ति के गेट में, अब यहाँ से जाएंगे मंदिर को, मेरा देवर आ रहा होगा मिलने। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे, और मैं ही मस्त हूँ। और बहुत ही खुशखबरी है, हमारे घर में आया है एक छोटा सा नन्ना सा मेहमान। हमारे घर में आए राम, ना राम उसका बड़ा भाई वो लक्ष्मण हुआ, हमारे घर में लक्ष्मण जी आए हैं। और मैं और मेरी बुआ जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में बच्चे को देखने। अगर वहाँ पे वीडियो बनाने का होगा तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, नहीं तो कुछ प्रोग्राम हुआ तो आपको ज़रूर अपने साथ लेके चलेंगे अपनी वीडियो में। बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे मैं वीडियो बनाने वाली होती हूँ तब तक कोई ना कोई शॉप में आ जाता है, तो हर चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है। चलो अभी हम सीधा आपको मिलेंगे रास्ते में। और बहुत ही ठंड है, बहुत ही कोहरा है, बाप रे इतनी शीत लहर चल रही है, क्या बताएं, बहुत ही ठंडा है। देखो गाइस मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बुआ भी हमारी पहुँचने वाली है ऑटो से। देखो गाइस हमारी दुकान में अवेलेबल है जय श्री राम के झंडे। गाइस यहाँ पे हमारी बुआ मिल गई है और हम सब जाएंगे ऑटो में राम मूर्ति अपनी देवरानी के लड़के को देखने के लिए। हमारे घर में लक्ष्मण आए, राम तो पहले से ही थे, लक्ष्मण आए। देखो गाइस हम ऑटो में बैठ गए हैं, मैं और पिका। गाइस आज हमारी सीक्रेट हार्ट में सीटेट का एग्जाम है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और काफ़ी लोग हमारी दुकान से पेन भी ले गए हैं आज पेपर के लिए। देखो गाइस यहाँ पे से मैंने लिए हैं केले। अब हम पहुँच गए हैं राममूर्ति के गेट में, अब यहाँ से जाएंगे हम अंदर को, मेरा देवर आ रहा होगा मैं लेने। देखो गाइस हम मेन गेट में पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे सेकंड वाली बिल्डिंग में। गाइस अब हमें जाना है सेकंड वाली बिल्डिंग में। स्त्री एवं प्रस्तुति एकदम पास से लेते हैं वीडियो। देखो गाइस हम सब जा रहे हैं अंदर और यहाँ पे मिल गए हमारे काफ़ी रिश्तेदार। देखो गाइस मैं आ गई हूँ, ये है हमारा छोटा सा लक्ष्मण, राम उधर चौमिन खा रहा है। चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। देखो हमारा देखो गाइस हमारा छोटा सा लल्ला कैसे रो रहा है। ओ ओ तो अंदर चली गई तो जान। देखो गाइस ये लल्ला पकड़ा हमारे सीता भाभी ने, स्माइल करो भाभी जी। ताई बन गई हो फिर से। ये हमारी बुआ है, इधर हमारी सासू माँ भी हैं, देख रही हैं फोटो कल की। देखो गाइस अब थोड़े देर 5 मिनट बाद हम भी चले जाएंगे, और अभी लल्ला खेल रहा है मेरी सासू माँ की गोदी में। और इधर हमारी दीदी है और लल्ले का छोटा भैया है बड़ा, और ये हमारी ताई है, हमारी ताई बनी है फिर से दादी। हमारी ताई सास। देखो गाइस यहाँ पे एक चौथे नंबर वार्ड में कितनी पहुँच गई दीदी तो जुड़वा बच्चे हुए हैं। देखो गाइस और हम भी जा रहे हैं घर की ओर। और सबके सब यहीं पे हैं और आधे चले जाएंगे आधे यहीं रह जाएंगे। देखो गाइस ऑटो से उतर के मैं पहुंच गई हूं अपने घर, अब मैं बनाऊंगी चाय, पीऊंगी चाय। और हमारे इधर थोड़ा सा धूप आई है, सूरज भगवान जी दिख रहे हैं, कितने गए उतने सामने से दिख रहे हैं, लाइट के मारे चमक रहे हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। देखो गाइस आज सुबह दूध वाला नहीं आया तो दूध लेना हम भूल गए थे, और अभी मैं जा रही हूँ अग्रवाल अंकल की दुकान में दूध लेने, तभी बनाऊँगी चाय। सामने ही अंकल की दुकान हमारी पीछे है। देखो गाइस खाना पीना हो गया है और बर्तन भी धो दिए हैं, बर्तन धो के हाथ हो गए हैं लाल, ठंड बर्फ के पानी से धोए हैं बर्तन टैंक के पानी से, और अब पड़ोस में जल रही है आग तो उन्होंने कहा आ जाओ आग तापने, तो मैं जा रही हूँ वहीं आग तापने, बहुत ठंड है।
और ये मैंने अपना जो लुक चेंज कर दिया है भालू बंदर वाला, क्योंकि इसी में ही ठंड नहीं लग रही है। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मज़ा आ रहा है इसे पहन के। देखो गाइस सामने लग रही है आग, वहीं पे सेकेंगे हम आग, तापेंगे आग। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल आरती नेगी गंगवार में।